नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कोई भी समकालीन घटना से अगर हमको इतिहास का याद आता है तो हमको ये मानना चाहिए कि कालचक्र या अतीत से हम लोगों ने कुछ खास सीखा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक दुखद खबर सुनने को मिली। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में गैस लीक कर गई और कई मजदूर घायल हो गए। ये घटना तब हुई देर रात को जब सब लोग सो रहे थे। दिन खत्म होते होते 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 5,000 लोगों से ज्यादा बीमार घोषित कर दिए गए। लीक होने वाली गैस स्टायरिन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी और फोम्ड कप्स, ग्लासेस या फिर कटोरियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ ही घंटों में विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स के बारे में सब कुछ सब लोग जान गए। इस कंपनी का स्थापना कब हुआ था, इसका मर्जर कब किसके साथ हुआ और इसका नामांकन कब हुआ, यह भी पता चल गया। कोविड-19 में उलझे लोगों का इस त्रासदी के बारे में खबर सुनकर अफसोस खत्म हुआ भी नहीं था कि एक और बुरी खबर आ गई। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में एक कागज की फैक्ट्री में भी गैस लीक कर गई और वहां भी खबर आई कि काफी कारीगर, काफी मजदूर वहां पे भी बीमार हो गए। शाम होते होते एक और दुखद खबर आई। तमिलनाडु के कडलोर जिले में एक कोल माइनिंग कंपनी का बॉयलर बस्ट कर गया और उससे कई कारीगर भी घायल हो गए और लोग भी घायल हुए वहां पे। विशाखापट्टनम से दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों ने जब ये खबरों को दिन भर सुना तब उनको 36 साल पुरानी अपनी आप बीती याद आई। ना सिर्फ उनको, लगभग हर अखबार और टेलीविजन चैनल ने भोपाल गैस ट्रेजिडी का रेफरेंस जरूर किया उस दिन। हिंदुस्तान में लगभग 65% लोग 35 साल से कम आयु के हैं। उसका मतलब जब दिसंबर 2-3 की रात 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई होगी, जब हजारों लोग मरे होंगे, तब ये लोग जीवित भी नहीं हुए थे। तो इनकी मेमोरी में वो लिविंग मेमोरी नहीं है। इसके बावजूद अभी भी हर बार जब भी कोई इस तरह के विशाखापट्टनम या छत्तीसगढ़ में या फिर कडलोर जैसी कोई भी घटना होती है तो भोपाल का रेफरेंस जरूर आता है। ऐसा क्यों, ये हमको बहुत जरूरी है सोचना और समझना। इसमें कोई शक नहीं कि भोपाल गैस लीकेज एक सिंबल था। किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस मनुष्य की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। भोपाल एक तरह से अलार्म क्लॉक था, एक वेकअप कॉल। सबको खतरे की घंटी सुनाई दी गई थी लेकिन फिर भी ज्यादा लोगों ने नहीं रिएक्ट किया। ऐसा क्यों, क्या वजह है कि बार बार छोटे बड़े केमिकल इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज या कंपनीज यहां पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, श्रमिक या मजदूर मरते रहते हैं और बाकी आसपास के रहने वाले नागरिक भी या तो मर जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं। पूरे देश की तो बात ही छोड़िए, अगर मैं इसकी लिस्ट करने लगूं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में भोपाल के बाद से कितने एक्सीडेंट्स हुए और कितने लोग मारे गए तो शायद मेरा पूरा कार्यक्रम ही इसमें निकल जाएगा। अगर हम सिर्फ विशाखापट्टनम के आसपास की ही बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के सालों में 10 ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो स्पष्ट है
भोपाल से हमने कुछ खास नहीं सीखा है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें, ना सिर्फ बात करें बल्कि हम लिस्ट आउट करें उन मुद्दों को, गैस ट्रेजेडी को हम डाइसेक्ट करें ताकि हम आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। नेग्लिजेंस, कॉम्प्लिसिटी और करप्शन, इसका एक जाल है जो बुना जाता है। क्यों हमारे मजदूर और नागरिक खतरे में हमेशा जीते हैं? ताकि हम समझ सकें कि किन चीजों पर ट्रेड यूनियंस, ऑपोजिशन पार्टीज, मीडिया और सिविल सोसाइटी अपना ध्यान आप दे सके, अपने एंटेना किस दिशा में रख सके। भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी शुरू से ही कॉरपोरेट ग्रीड की कहानी है। क्या कारण था वार्निंग सिग्नल्स के बावजूद मैनेजमेंट ने मिथाइल आइसोसायनेट या MIC जैसी लीथल गैस के लीकेज की संभावना पर चादर ढक दिया था? क्या मैनेजमेंट ने वर्कर्स को एडिक्वेटली ट्रेन किया था? क्या यूनियन कार्बाइड की मैनेजमेंट ने वर्कर्स को MIC के हैजर्ड्स के बारे में सही और सटीक जानकारी दी थी? हादसे के तुरंत बाद के सप्ताहों में हर पत्रकार जो भोपाल गया या हर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो वहां पहुंचा, उन्होंने एक ही बात दोहराई थी, और मजबूत कानूनों की आवश्यकता है केमिकल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए। शुरू से ही दुखद बात बिल्कुल स्पष्ट था, MIC के एक्सपोजर की वजह से जिन लोगों का देहांत हो गया वो शायद उनसे ज्यादा लकी थे जो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके लिए हर दिन मौत की घाटी का एक और चक्कर काटना था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता है, अगर जरा सा लग रहा है कि मैं शायद एग्जाजरेट कर रहा हूं, तो एक बार भोपाल जाकर देखिए। उन 35 या 40 वर्ष से ज्यादा लोगों की, ज्यादा आयु के लोगों से मिलिए जो भोपाल में ही रह गए, आपको साफ दिख जाएगा उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है। उनसे बात कीजिएगा, उनको चलते फिरते देखिएगा, औरों से इंटरैक्ट करते हुए देखिएगा, दूर से ऑब्जर्व कीजिएगा। ग्रीक ट्रेजेडीज के पात्र लगते हैं। ऐसा लगेगा कि अपने हिस्से वो सिर्फ अनंत दुर्गति लिखवा के आए हैं जब वो इस धरती पे आए। अभी तक कोई डेफिनेट फाइनल असेसमेंट नहीं हो पाया कितने लोगों को गैस पीड़ित कहा जा सकता है। 1984 में भोपाल में 56 म्यूनिसिपल वार्ड थे। शहर की कुल आबादी 9 लाख की थी। 36 म्यूनिसिपल वार्ड यानी कि भोपाल का 65% एरिया, और इन 36 वार्डों में 6 लाख लोग रहते थे। MIC के इफेक्ट्स की वजह से स्टिलबर्थ्स के रेट में 300% की बढ़ोतरी हुई थी और नियोनेटल डेथ्स में 200% बढ़े थे। इसके अलावा नए जनरेशन जो बाद में गैस पीड़ित परिवारों में पैदा हुए, इनमें बर्थ डिफेक्ट्स कॉमन थे। MIC का एक्सपोजर जिनको हुआ था उनको अभी भी अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं। शरीर के किसी भी सिस्टम को शायद स्पेयर नहीं किया है, वो चाहे आंख की बीमारियां हो या रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन सिस्टम और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक बैलेंस। इनमें बहुत ऐसे सर्वाइवर थे जो अपने काम पर कभी लौट नहीं पाए, उनका रिहैबिलिटेशन भी कभी नहीं हुआ। कुछ समय तक देश में चर्चा हुई, उसके बाद लोग भूल गए। भोपाल गैस ट्रेजेडी को दूसरे ट्रेजेडीज ने ओवरटेक कर लिया और एक तरह से ये बस इतिहास के पन्नों के फुटनोट बस बन
बनके रह गए। लेकिन अगर हम विक्टिम्स और सर्वाइवर्स की ही बात करें तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे। भोपाल गैस ट्रेजिडी के दूसरे पहलुओं के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो उन पर चर्चा या उन पर बात रह जाएगी। तो बात होती है स्टेट रिस्पॉन्स की और उस समय की सरकार ने क्या किया और यूनियन कार्बाइड से किस तरह से उन्होंने मतलब कॉम्प्लिसिट थी या एक तरह से एडवर्सरियल पोजीशन था। गैस लीक के बाद सरकार का पहला कदम था प्लांट को बंद कर देना, लेकिन उसी के साथ साथ डेटा और इंफॉर्मेशन जनता तक नहीं पहुंचाया, उस पर बिल्कुल क्लैंप डाउन हो गया। ऊपर से गैस लीक के कुछ दिनों के बाद ही यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन एंडरसन हिंदुस्तान आके भोपाल गए थे। तब उनको गिरफ्तार तो किया गया लेकिन फिर उनको स्टेट ने ही फैसिलिटेट करके भोपाल से पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से अमेरिका भागने के लिए मौका दे दिया। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया के सबसे बड़े मीडिया इवेंट्स में से भी एक था। शायद ही कोई देश का पत्रकार या फोटोग्राफर भोपाल नहीं गया हो। हिंदुस्तान के एक लीडिंग फोटोग्राफर पाब्लो बार्थोलोमियो ने कब्रिस्तान में एक बच्चे को दफनाते हुए उसकी फोटो खींची। इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो 1984 से का पुरस्कार मिला। कोर्ट केसेस का सिलसिला भी शुरू हो गया उसी के बाद। एंडरसन के पलायन के बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यूनियन कार्बाइड को दोषी करार देना बहुत मुश्किल हो गया। मार्च 1985 में संसद में भोपाल गैस लीक एक्ट पास हो गया। इससे सरकार को पूरी तरह से राइट मिल गया कि वो हर गैस पीड़ित को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी अदालत में। लेकिन इसी के साथ साथ कोई अगर गैस विक्टिम अगर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है, खुद अगर केस करना चाहता है, तो उसके पास वो हक नहीं बचा। अमरीकी कोर्ट्स को कोई जल्दी नहीं थी। अप्रैल 1950 में एक कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को कहा कि आप 5 या 10 मिलियन डॉलर तुरंत रिलीज कर दीजिए कि ये जो बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में हैं, इनके ट्रीटमेंट में शायद काम आ जाएगा। भारत सरकार ने इस मीगर अमाउंट को ठुकरा दिया, सही किया। हिंदुस्तान में भी केसेस का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चले, क्रिमिनल कॉम्प्लिसिटी के केसेस चले, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग किस्म के केसेस चले। क्रिमिनल केस को भोपाल में खारिज कर दिया गया, फिर 1991 में इसके खिलाफ अपील हुआ तो वो दोबारा से रिस्टोर हुआ। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट 470 मिलियन डॉलर में 1989 में किया। इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हुआ लेकिन उस चैलेंज को रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। यूसीसी और उसके इंडियन सब्सिडरी यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल को भोपाल में हॉस्पिटल फंड करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कंपनी मान गई। भोपाल कोर्ट के क्रिमिनल केस में वॉरेन एंडरसन को दोषी करार दिया गया। 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई, लेकिन वो तो हमारे देश में थे ही नहीं, अपने देश में थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एंडरसन को भगोड़ा ऐलान कर दिया मगर वो कभी नहीं आए। भारत सरकार ने कोशिश की अमेरिका से बोल के कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए लेकिन नाकाम रहे। सितंबर 2014 को जब वॉरेन एंडरसन 92 इयर्स के थे, फ्लोरिडा में इनकी मृत्यु हो गई। तब तक तमाम केसेस भी खत्म हो गए थे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि गैस पीड़ित कॉम्पेंसेशन अब नहीं मांग सकते। हिंदुस्तान के कोर्ट में भी जब जब ये केसेस आए, पीड़ितों को
अंदर जाने से रोका गया। वहीं दूसरे तरफ जब UCIL के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन द्वारा उनको एस्कॉर्ट किया जाता था। कॉर्पोरेट्स के साथ सरकार और उस समय की सत्ता की कॉम्प्लिसिटी का सिलसिला तो देखने को ही मिला, लेकिन वही सिलसिला पिछले 36 सालों से चलता आ रहा है। बहुत ही दबे स्वरों में भारत सरकार ने केमिकल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट्स को कहा है कि लॉकडाउन के बाद काम शुरुआत करने के पहले सावधानी से अपने यूनिट्स को दोबारा से खोलें। क्या और स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होने चाहिए थे ये इंश्योर करने के लिए कि विशाखापट्टनम जैसे और घटनाएं नहीं हो? क्या सरकार को मॉनिटर नहीं करना चाहिए कि मैनेजमेंट्स जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं उनका पालन पूरी तरह से कर रहे हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी सरकार हिंदुस्तान के नागरिकों को और मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाएगी? नमस्कार।